पकी हुई खजूर मधुर, पौष्टिक, वीर्यवर्धक, पचने में भारी होती है। यह वातयुक्त पित्त के विकारों में लाभदायक है। खारिक के गुणधर्म खजूर जैसे ही हैं। आधुनिक मत अनुसार 100 ग्राम खजूर में 10.6 मिलीग्राम लौह तत्व, 600 यूनिट कैरोटीन, 800 यूनिट कैलोरी के अलावा विटामिन्स B1, फास्फोरस एवं कैल्शियम भी पाया जाता है। मात्रा, एक दिन में 5 से 10 खजूर ही खानी चाहिए। सावधानी, खजूर पचने में भारी और अधिक खाने पर गर्म पड़ती है, अतः इसका उपयोग दूध, घी अथवा मक्खन के साथ करना चाहिए। पित्त के रोगियों को खजूर घी में सेक कर खानी चाहिए। शरीर में अधिक गर्मी होने पर वैद्य की सलाह के अनुसार ही खजूर खावे। औषधि प्रयोग, अरुचि, अदरक, मिर्च एवं सेंधा नमक आदि डालकर बनाई गई खजूर की चटनी खाने से भूख खुलकर लगती है, पाचन ठीक से होता है और भोजन के बाद होने वाली गैस की तकलीफ भी दूर होती है। कृशता, गुठली निकाली हुई 4 से 5 खजूर को मक्खन, घी या दूध के साथ रोज लेने से कृशता दूर होती है, शरीर में शक्ति आती है और शरीर की गर्मी दूर होती है। बच्चों को खजूर ना खिलाकर खजूर को पानी में पीसकर तरल करके दिन में 2 से 3 बार देने से वे हष्ट पुष्ट होते हैं। रक्त अल्पता, घी युक्त दूध के साथ रोज योग्य मात्रा में खजूर का उपयोग करने से खून की कमी दूर होती है। शराब का नशा, ज्यादा शराब पिए हुए व्यक्ति को पानी में भिगोई हुई खजूर मसल कर पिलानी चाहिए। हरिओम।